दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं जियो फाइबर की इंस्टॉलेशन। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जियो फाइबर का सेट टॉप बॉक्स भी इंस्टॉल होता है, साथ ही साथ जियो के ब्रॉडबैंड की भी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर देंगे, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ती है, वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया था, भैया हमारे पास आ गए हैं जियो फाइबर से, तो अब मैं उनसे कुछ सवाल करूंगा और जिसके वो मेरे को बताएंगे किस तरीके से हमें अगर जियो फाइबर का कनेक्शन इंस्टॉल कराना हो तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों का पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए किसी भी कनेक्शन को इंस्टॉल कराने से पहले। तो मेरा सबसे पहला सवाल भैया से ये है कि अगर हमें जियो फाइबर लगाना है तो हम अपने नॉर्मल जो इंटरनेट का कनेक्शन है उसको क्यों हटाएं और क्यों हम जियो फाइबर को लगाएं, क्या हमें बेनिफिट मिलते हैं? सर देखिए, नॉर्मल कनेक्शन जो होते हैं, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि क्विक्सल केबल पे और जो नॉर्मल कॉपर केबल पे यूज होते हैं, लेकिन रिलायंस जो लेके आया अपना बेसिक फाइबर से लेके आया है, जिसके भी आप जो है ऑप्टिकल फाइबर पे आप जो है मिनिमम 100 MBPS से लेकर 1 GB तक की सर्विस ले सकते हैं, लाइक 250 MBPS, 500 MBPS, ये सब चीजें आप आराम से यूज करते हैं। ओके, तो भैया का कहना है कि जो नॉर्मल जो हमारी जो कनेक्शन होते हैं उनमें इतनी स्पीड नहीं आती, जितना कि हमारी स्पीड जो आती है वो हमारे जियो फाइबर में आती है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन भैया से यहाँ पे ये है कि अगर मेरे को प्लान लेना हो तो सबसे ज्यादा जो एक तो सबसे ज्यादा चलने वाला प्लान कौन सा है जिसको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अपने लिए ऑप्ट करते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप मेरे को बताएंगे ताकि वो वाला प्लान ही मैं आगे ऑप्ट कर पाऊं। सर मैं तो बताना चाहूंगा इसमें एक्चुअली क्या होता है कि इसमें कस्टमर की नीड के हिसाब से होता है, बट लेकिन मैं नीड के हिसाब से अगर ना जाकर के मैं एक फैमिली के हिसाब से जाता हूँ तो हमारा एक सिल्वर प्लान है जो कॉमनली हमारा 90% लोगों को पसंद आता है। ठीक है, 90% से मतलब है क्योंकि उसमें जो आपकी जो फुलफिल होती है, जो आपकी जो आपको रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है, लाइक आपको ब्रॉडबैंड मिलता है, आपको टेलीफोन की सर्विसेज मिलती है, प्लस टीवी के कंटेंट लाइक हिंदी कंटेंट, ओटीटी कंटेंट जो होते हैं वो आपको सारे के सारे इनेबल मिल जाते हैं जो आप चला सकते हो। ठीक है, तो भैया ने जो हमें बताया वो सिल्वर प्लान बताया जो कि हाउस होल्ड के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। तो अगर आप भी जियो फाइबर का कनेक्शन लगाना चाह रहे हैं तो एक बार सिल्वर प्लान को आप कंसिडर करने की सोच सकते हैं। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन भैया से ये है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है अगर हम अप्लाई करें जियो फाइबर के लिए? तो सर नॉर्मली डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आप वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, ये तीन चीजें हम जो है सर्विस के साथ एक्टिवेट कर देते हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा उसके भी आप। तो किसी तरीके की कोई फोटो वगैरह भी हमें लगाना? नो, सारा डिजिटल प्रोसेस रहता है आपसे, हम क्या कहते हैं जो जिस पर्सन का जो एज अ वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड जो भी होगा वो हमें पर्सन अवेलेबल चाहिए होंगे, उनकी एक लाइव फोटो खींचती है, ठीक है, सारा प्रोसेस हमारा डिजिटली रहेगा जो कि हमारे एक पोस्ट एक्टिवेशन के थ्रू हमारा जो है पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो किसी भी तरीके का कोई पेपर वर्क इसमें नहीं होता है, वो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो डिजिटली रहता है। बिल्कुल। तो मेरा अगला क्वेश्चन भैया से ये है कि इसमें इंस्टॉलेशन का कितने चार्जेस लगते हैं और किसी तरीके का हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है, और अगर देना पड़ता है तो उसको अगर हमें रिफंड कराना हो वापस तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान चूज करते हैं, जैसे कि मैंने कॉमन प्लान बताया जो 90% लोगों को पसंद आता है सिल्वर प्लान, अगर मैं उस सिल्वर प्लान की बात करता हूँ तो वो प्लान जो है हमारा 849 का प्लान रहता है बेसिक, ठीक है, जिसपे टैक्स लगा के हमारा 1,001.82 रुपीज होता है, ये जो हमारा होता है मंथली प्लान होता है। okay. इसके साथ जो हम एक वन टाइम पेमेंट और लेते हैं 2,500, जिसमें से 1,500 आपका एक एज अ सिक्योरिटी पार्ट होता है जो भी कंपनी आपको जो है डिवाइस प्रोवाइड कराती है। ओके, ठीक है, उस डिवाइस के बियाफोन आपको जब भी आप सरेंडर करते हैं कनेक्शन को तो हम अपने हार्डवेयर ले जाएंगे एंड आपके जो है प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपके 1,500 जो है वो आपको वापस हो जाते हैं एंड 1,000 रुपीज आपका इंस्टॉलेशन चार्ज रहेगा। ओके, फ्यूचर में कभी भी लाइक मैं कहता हूँ कि रिमोट या किसी भी सर्विस के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको जो है कस्टमर केयर पे कॉल करना है, ठीक है, कस्टमर केयर पे एक सर्विस रिक्वेस्ट रेज करानी है, मेरी टीम आएगी, ठीक है, वो आपको रिजॉल्व करके देगी, उसका कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। ठीक है, तो अगर कहने की बात है कि 1,500 जो पूरे रिफंड हो जाते हैं प्लस 1,000 जो होता है वो इंस्टॉलेशन चार्ज होता है, तो इसमें क्या होता है कि आपको 3,502 रुपए जो है एज अ बात कर सकता हूँ एक पेमेंट जो करनी होती है, ठीक है, तो 3,502 रुपए फर्स्ट टाइम आपको पेमेंट करनी होती है, नेक्स्ट मंथ से आपका जो प्लान है वो आपको लेना होता है। तो 3,502 रुपए का एक बार ब्रेकअप बताएंगे, जैसे आपने बताया 1,500 जो होता है, अगर मैं बात करता हूँ जैसे कि प्लान बताया मैंने 849 रुपए प्लस टैक्स लगा के 1,001.82 रुपीज, अगर मैं राउंड फिगर की बात करता हूँ तो 1,002 रुपए होता है, ठीक है, एंड 2,500 जो मेरी वन टाइम पेमेंट है जो की कंपनी आपसे लेती रहती है, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूँ तो 3,502 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे पेमेंट का भी पूरा बाइफर्केशन बता दिया गया है ताकि आपको सारी चीजें क्लियर लें। तो मेरा अगला सवाल भैया से ये है कि अगर हम ये कनेक्शन लगवा रहे हैं तो हमें जो हमारा जो राउटर इसके साथ मिलता है उसको कहाँ पे प्लेस कराना, जो बॉक्स हमारा होता है इसके साथ उसको कहाँ पे प्लेस कराना चाहिए अपने घर के अंदर? अगर मैं बात करता हूँ एज अ मैं कस्टमर, मैं भी कह सकता हूँ कि अगर मैं वाईफाई यूज करता हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा बेटर ये लगता है कि सेंट्रलाइज के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो एक क्षेत्रफल निकालना तो उसके एक सेंटर से निकलता है, ठीक है, तो अगर मैं 20 मीटर इधर भी जाता हूँ 20 मीटर इधर भी जाता हूँ भले ही मेरा 40 मीटर है लेकिन उसको मैं सेंटर में लगाऊंगा तो मेरा जो एक वाईफाई की जो रेंज है एज ए कैपेसिटी और उसका स्ट्रेंथ है वो काफी स्ट्रांगली काम करता है,
और सेंट्रलाइज ही लगाना चाहिए, जिसके हिसाब से जो है काफी अच्छा वाईफाई काम करता है। तो जैसा भैया ने हमें बताया कि अगर आप भी लगाने के सोच रहे हैं तो अपने घर में जो भी आपकी सेंटर पोजीशन है वहां पे ही आपको लगाना चाहिए, ज्यादा कॉर्नर में नहीं लगवाना चाहिए, जिससे कि आपकी जो स्पीड है, जो भी स्पीड आपको कमिट करी गई है, वो पूरी स्पीड आपको मिल पाए। तो अभी हमारे पास राम भैया आ गए हैं जो जियो की टेक्निकल टीम से, और जो सारा का सारा इंस्टॉलेशन देखते हैं हमारे एरिया में। तो अब वो पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन हमें करके दिखाएंगे, और उसके बाद में पूरी की पूरी जानकारी भी आपको भैया की मदद से इस वीडियो में देता रहूंगा कि किस चीज का क्या मतलब होता है, और किसी भी चीज को जो वो इंस्टॉल करते हैं तो उसकी क्या वैल्यू होती है, किस क्या इंपॉर्टेंस होती है उस चीज की। तो चलिए शुरू करते हैं इस तरह का पूरा इंस्टॉलेशन। तो अभी ये वो प्लेस है सामने जहां पे हम अपना जो पुराना वाला ये जो राउटर लगा हुआ है इसको हटाएंगे, और यहां पे हम जो हमारा जियो फाइबर का बॉक्स है, सेट टॉप बॉक्स यहां पे लगेगा। तो अभी मैं आपको पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन यहां पे दिखाऊंगा कि कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे और कैसे जो है कनेक्शन वगैरह जो है वायरिंग के कैसे लिए जाएंगे। तो अभी भैया हमें बता रहे थे कि जो वायर है वो सामने वाले जो एक वो आप पोल देख रहे होंगे अगर मेरे सामने, वहां से वायर आई है और ये जो ग्रिल आ रही है इसके साथ होते होते सीधा हमारे जो रूम है उसके अंदर जाएगी और वहां से हम उसका कनेक्शन देंगे। तो अभी आप यहां देख रहे हैं कि भैया जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वो नीचे से पूरी ग्रिल के साथ तार को बांध रहे हैं। तो अभी भैया क्या कर रहे हैं, भैया जो बाहर से हमारी वायर अंदर आई है उसको यहां पे अगर आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा टिल्ट करके दिखाऊं, तो यहां पे एक व्हाइट कलर का बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर से वो वायर को निकालेंगे और उसके बाद आगे के कनेक्शन दिए जाएंगे। तो अभी ये जो है वायर की फिक्सिंग करी जा रही है, और उसके बाद इस एचडीबी ये जो व्हाइट कलर का जो बॉक्स मैं आपको दिखा रहा हूं साइड में, इसको एचडीबी बॉक्स कहते हैं, उसकी फिटिंग करी जाएगी, वायर को उसके अंदर से निकाला जाएगा। तो अभी आप देखेंगे कि भैया ने एचडीबी बॉक्स के अंदर से जो हमारी वायर बाहर से आ रही थी कनेक्शन की उसको डाल दिया है, और अब वो इसको फिक्स करके आपको दिखाएंगे। तो अभी जो एचडीबी बॉक्स है उसको दीवार पे फिक्स कर रहे हैं भैया, और उसके बाद आगे के कनेक्शन में आपको पूरे के पूरे इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये वाईफाई का राउटर है, इसको ओएनटी बोलते हैं, और ये आपका सेटअप बॉक्स है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भैया ने हमें ये दोनों दिखा दिए, सेटअप बॉक्स भी दिखा दिया और राउटर भी दिखा दिया। चलिए अब इसको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये वाईफाई का राउटर है, ओएनटी बोलते हैं इसको, और एक लैन केबल होती है इसके साथ। ठीक है, तो एक वाईफाई का राउटर, एक लैन केबल, और इंस्ट्रूमेंट की वायर, ये इंस्ट्रूमेंट की वायर, ठीक है, कुछ दूसरी वायर्स भी इसके साथ मिलती है। तो ये सारा तो हमारा राउटर वाली किट के अंदर आता है। चलिए अब दूसरी, और ये एक अडॉप्टर है जो आता है इस किट के साथ। ये हमारा सेटअप बॉक्स है, तो आप ये देखेंगे ये सेटअप बॉक्स है जो इसके साथ आता है, क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। एचडीएमआई केबल है, ये एचडीएमआई केबल इसके साथ एक, ये रिमोट है इसका, और साथ में इसका एक रिमोट भी आता है, ये अडॉप्टर, और इसका भी एक अलग से अडॉप्टर आता है, इसके साथ लाइन केबल है, और ये लैन केबल भी इसके साथ आती है। तो ये सारे के सारा जो होता है वो सेट टॉप बॉक्स वाली जो किट है उसके अंदर आता है। तो ये थे कुछ अंदर के सारे जो चीजें थी, ये सारी मैंने आपको एक बार दिखा दी। अब चलिए इसका इंस्टॉलेशन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देखेंगे भैया ने कनेक्शन करना शुरू कर दिया है। तो अभी ये जो वायर है इसको ये इस पर रैप कर रहे हैं, और उसके बाद आगे के स्टेप्स भी मैं आपको साथ के साथ दिखाता जाऊंगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि भैया हमें सामने दिखा रहे हैं कि किस तरफ हैंग होगा। तो इस जगह ये दीवार पे इस पॉइंट पे हैंग हो जाएगा। ये क्या चीज होती है, ये जो आपने लगाया है, ये कनेक्टर है। तो अभी आपने देखा जो ग्रीन कलर का ये जो है ये वायर के साथ, इसको कनेक्टर कहते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं भैया ने इसको पूरा इंस्टॉल कर दिया, और इंस्टॉल होने के बाद इसकी फिनिशिंग बिल्कुल, अगर आप अपने घर पे भी लगा रहे हैं तो इसकी जो फिनिशिंग है बहुत अच्छी है, कहीं से भी कुछ भी ऑकवर्ड नहीं लगेगा, और देखने में बड़ा स्टाइलिश लगता है, और सिंपल से इसमें एक लाइट ब्लिंक होती है। और अगर कनेक्शन की बात करूं तो ज्यादा इसमें कुछ कनेक्शन नहीं है, आप देखेंगे बाहर से जो एक वायर आ रही है उसका इसमें कनेक्शन दिया गया, और साथ ही साथ जो इसका अडाप्टर का है वो जो इसको ऑन ऑफ करने के लिए कनेक्शन दिया गया है अडाप्टर के थ्रू। तो इसके अलावा ज्यादा इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जैसा इसके सेट टॉप बॉक्स का प्रोसेस है सेम इसके जो राउटर है वैसा ही उसका प्रोसेस है, ज्यादा दोनों में कहीं से भी कुछ वायरिंग या किसी भी तरीके का कोई ज्यादा झंझट वाला काम इसमें नहीं है। तो अभी आप देखेंगे कि भैया जो है वो एचडीएमआई केबल से जो हम सेट टॉप बॉक्स है उसका कनेक्शन टीवी के साथ कर रहे हैं। ऊपर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये कनेक्ट करने के लिए सिंपली एचडीएमआई केबल से कनेक्ट होता है, कोई और वायरिंग नहीं डलती है, सीधा आपका जो ये सेट टॉप बॉक्स है, ठीक है, ये और वायरलेस पे भी चलता है।
तो अभी भैया हमें यहाँ पे ये सेट टॉप बॉक्स का रिमोट दिखा रहे हैं, तो ये रिमोट भी सेट टॉप बॉक्स के साथ मिलता है, जैसे नॉर्मली कोई भी हम सेट टॉप बॉक्स लगाते हैं उसके साथ रिमोट आता है, तो ये रिमोट भी वैसा ही रिमोट है। तो यहाँ पे वॉइस सपोर्ट आपको मिलता है, तो अभी आप देखेंगे जैसे भैया दिल्ली आज तक बोल रहे हैं, तो अभी दिल्ली आज तक यहाँ पे सर्च करके दिखाते रहे, यानी कि आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं, आप वॉइस सपोर्ट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ भैया ये बता रहे हैं कि माई जियो ऐप से हम अपनी पूरी की पूरी जो भी हमारा डेटा कितना रह गया, हमने कितना यूज कर लिया, वो सारी की सारी चीजें हमें माई जियो की ऐप से चेक करनी है। साथ ही साथ जियो कॉल वाली ऐप भी हमें डाउनलोड करनी है, अगर हम कॉलिंग का फंक्शन भी इसका यूज करना चाहते हैं तो। या अभी हमें जियो कॉल का फंक्शन बता रहे हैं, तो बता रहे हैं कि कैमरा लेके भी जो एक जियो का कैमरा आता है वो हम इंस्टॉल करा सकते हैं, उसके बाद वीडियो कॉल की फैसिलिटी भी इसमें मिल जाती है, कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो आपने अभी इंस्टॉलेशन का पूरा वीडियो देख ही लिया होगा, और अगर आपके मन में इंस्टॉलेशन को लेकर कोई सवाल है या किसी तरीके की कोई क्वेरी आप करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।